हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले मैदानी जिला ऊना में त्योहारी सीजन के दौरान यातायात बेतहाशा हो जाता है और हालात ये हो जाते हैं किसके कारण कई जगहों पर लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इन सभी चीजों पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैन पावर की कमी इन सभी प्रबंधकों को दुरुस्त करने में आड़े आ जाती है। इन दिनों पुलिस के साथ साथ पीजी कॉलेज के एक छात्र छात्राएं भी बखूबी यातायात प्रबंधन का जिम्मा संभाले हुए हैं। पुलिस और कॉलेज के NSS वॉलंटियर्स जाम की स्थिति से अपने शहर को बचाने के लिए सड़क पर पूरा दिन प्रयासरत नजर आते हैं। फेस्टिवल सीजन के चलते इन वॉलंटियर्स को पुलिस और कॉलेज प्रशासन की तरफ से टास्क सौंपा गया है। वॉलंटियर्स में मीनाक्षी ने बताया कि यातायात प्रबंधन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि वो केवल यातायात प्रबंधन में ही पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे अपितु आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हितेश और अंकुश ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से उन्हें ये टास्क सौंपा गया है, जिसमें दशहरे से दिवाली तक वो पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालक यदि यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ना तो कोई हादसे का शिकार होगा और ना ही कहीं पर जाम की स्थिति से निपटना पड़ेगा। सर, हम 10 तारीख से हैं और दशहरे के फेस्टिवल से दिवाली तक हैं हम यहाँ पे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो फिर इसी वजह से हमें यहाँ सर ने बुलाया है हमें, और 5-6 बच्चे हैं हम। तो जो आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी मिल रही है सर, हमें सेवा करने का मौका दिया सर ने, SP सर ने, हम इस खुशी हमें हो रही है बहुत ज़्यादा। वो वाहन चालक है, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यही है कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, बीच में ही मतलब जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है उससे पीछे रखें, हेलमेट पहन के चलें, और फिर मतलब ध्यान से अगर कोई साइन दे रहा है, कोई भी साइन दे रहा है तो उसका पालन करें। अगर कोई भी साइन दिया हुआ उसका भी पालन करें, रेड लाइट जंप करते हैं कुछ तो। सर, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे सेवा ये दशहरे से पहले से कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। मतलब यहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ तरीके से, आपको दशहरे के पता ही होगा कि यहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ भड़ाका था, तो इस तरह से हमें NSS की तरफ से यहाँ पे जो है कि वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ पे हमें चार्जन किया हुआ है और हम यहाँ पे बेखूबी तरह से ये संचालक का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे नियमों को बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, और ये हमारा दिवाली तक का दिया गया है जो हम बेखूबी से निभाएंगे। सर, यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन चला हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, हम ट्रैफिक का यहाँ पे लोग संचालन कर रहे हैं और लोगों को गाइड्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई कोई गलत जैसे कोई सीट बेल्ट की विदाउट है, हम उनको सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दे रहे हैं, उनकी हम सेफ्टी का बारे में उनको गाइड कर रहे हैं, और ये हमारे को टास्क दिया गया है कॉलेज की तरफ से ट्रैफिक को संचालित करने के लिए, हम उसको कर रहे हैं। पंजाब के HT TV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल